एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाजवर्स। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू डेली समर स्किन प्रोडक्ट्स फॉर टीनेजर गर्ल्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप टीनेजर गर्ल्स हैं, स्कूल यूनिट गोइंग या प्रोफेशनल फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो आपके लिए समर स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एज़ यू नो, आपको पता है कि समर में हमारी स्किन को एक्स्ट्रा केयर नीड होती है, और अगर हम अपनी स्किन की केयर ना करें तो हमारी स्किन बहुत जल्द और वक्त से पहले रिंकल्स और हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन झलक जाती है, ओल्ड नज़र आने लग जाती है स्किन, और हमारी जो स्किन की फ्रेशनेस है वो सारी ख़त्म हो जाती है, डलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, और हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है, जो पोर्स हैं ओपन हो जाते हैं, स्वेटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमारी स्किन की एक्स्ट्रा केयर हमें करनी चाहिए। तो आज मैं आपके साथ बेसिकली वही प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको अपनी स्किन टाइप सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है या ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर मैं आपको फेस वॉश जो है, सबसे पहले हम सुबह उठते ही अपना फेस क्लीन करेंगे अच्छे से फेस वॉश से। ये ऑयल फ्री फेस वॉश है, वाईसी का, बहुत ज़्यादा अच्छा है, डीप क्लीन करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर आपके फेस पर एक्ने है या फिर आपके फेस पर वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये जो लेमन फेस वॉश है वाईसी का, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। डीप क्लीन करेगा आपकी स्किन को बिल्कुल फ्रेश। उसके बाद और आप ये क्लीन एंड क्लियर का जो फेस वॉश है ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये भी ऑयल कंट्रोल है, और इसके अलावा आप इसे पॉकेट में अपने स्कूल यूनियन बैग वगैरह में भी रखकर इजीली कैरी कर सकते हैं, और जहाँ भी कहीं अगर आप फेस वॉश करना चाहें तो फिर आप इजीली इससे जो है फेस वॉश इस लिक्विड से कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाता है फेस सीरम या फिर सनब्लॉक। फेस सीरम जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी स्किन एक्वा का, बहुत अच्छा ब्रांड है, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, और इसी के साथ साथ विदाउट केमिकल फ्री और विदाउट साइड इफेक्ट्स के है। स्किन एक्वा का ये जो फेस सीरम है, ये सिर्फ फेस सीरम ही बल्कि आपको सनब्लॉक का काम भी करता है, और इसी के साथ अगर आपकी स्किन डैमेज हुई है या सनबर्न वगैरह कुछ भी आपका स्किन इशू है, तो आप ये एक्वा का जो है, ये स्किन एक्वा का फेस सीरम प्लस जो है सनब्लॉक ही ज़रूर यूज़ करें, और इसके आप जो है रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है। उसके बाद आपको फेस टोनर की नीड होती है, तो समर है, आपको पता है कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपकी स्किन पर वैसे तो स्वेटिंग प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आप एक अच्छे टोनर का यूज़ करें, और मैं यहाँ पर आपको रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब टोनर जो है वो रिकमेंड करूँगी, सबसे अच्छा केमिकल फ्री टोनर और बहुत ही रीज़नेबल अफोर्डेबल प्राइस में है। आप इसके अंदर थोड़ा सा हाइलाइटर अगर डालकर इसको मिक्स कर लें या थोड़ी सी ग्लिसरीन, तो फिर ये और भी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपके फेस पर, बहुत ही शाइनी और ग्लो रिज़ल्ट देता है। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है जो नेचुरल होता है, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो हर वक्त आपको पता है उसकी एक तो शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, दूसरा जो है हम डेली बेसिस पर उसको काटना और थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। इस तरह से जो मार्केट्स में एलोवेरा जेल अवेलेबल है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आप घर में समर सीज़न में जो है अपनी स्किन पर एज अ प्रोटेक्शन, सनबर्न, सन हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक इस तरह से जो है थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेकर, और जिस तरह से हम कोई फाउंडेशन या कोई लोशन वगैरह अप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह, इस तरह से अपनी स्किन पर आप लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि एलोवेरा जेल से एक आपकी स्किन पर जो है एक लेयर बन जाती है, और ये आपको सन हीट और सन बर्न से प्रोटेक्ट करती है, और आपका फेस जो है वो बहुत ही ग्लो करता है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी स्किन, हेल्थी स्किन हो जाती है। तो एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ किया करें। और फिर आ जाती है जी नाइट क्रीम। नाइट क्रीम जो है बहुत ज़्यादा मार्केट्स में स्टीरॉयड से भरपूर अवेलेबल है, लेकिन बट मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि प्लीज़ ऐसे केमिकल क्रीम जो हैं वो मत लिया करें, या आपकी स्किन को स्किन कैंसर भी कर सकती हैं, और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। सिर्फ एक दो दफ़ा तो ये आपकी स्किन को थोड़ी वाइटिंग इफेक्ट देती हैं, और आपकी स्किन जो है वो अच्छी नज़र आ रही होती है, लेकिन उसके बाद इनके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन लेयर जो है वो बिल्कुल पतली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो इस वजह से प्लीज़ प्लीज़ ऐसी स्टीरॉयड या ऐसे केमिकल से दूर रहें, सिर्फ ऐसी केमिकल क्रीम यूज़ किया करें जिसमें बहुत ही कम केमिकल क्वांटिटी में हो, और बहुत ही अच्छी जो आपकी सेंसिटिव स्किन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाए, जैसे कि जॉनसन के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ये पोन्स की जो क्रीम है, आप ये भी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसका एक मुकम्मल डिटेल रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर आप देखिएगा कि इस क्रीम के क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्रीम किस तरह से वर्क करती है। तो आप अपनी नाइट क्रीम में पोन्स की ये नाइट क्रीम जो है रोज़ाना डेली बेसिस पर यूज़ कर सकती हैं।
और उसके बाद जो है ये डर्माकोस के क्लींज़र आ जाते हैं। ये आप डेली बेसिस पर यूज़ नहीं करेंगे, हफ्ते में वीकली स्किन के रूटीन में आप इसे 2 times जो हैं वो यूज़ करेंगे। इसके जो मसाज है वो आप करें, अपनी स्किन की क्लींजिंग करें अपने फेस की। ये बिलीव मी, ये प्रोडक्ट्स एक तो बहुत अफोर्डेबल हैं, 600-700 की रेंज में एक जो जार है इनका आ जाता है, क्वान्टिटी भी अच्छी खासी है, लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है। दूसरा ये वाला जार है इनका, ये वाला मसाजर है, ये मास्क है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोनों ही जो है आप वीक में 2 times यूज़ करें, अपनी डेली नाइट के रूटीन में आप इसे शामिल कर सकते हैं और दोनों के रिजल्ट्स ही बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। इसके आपकी जो स्किन है हेल्दी, ग्लोइंग, नीट और सारे जो डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपकी स्किन में जितने भी वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, जो भी ऑयली प्रॉब्लम है या आपकी स्किन में पोर्स प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ख़त्म होंगी। आपकी स्किन बिल्कुल आपको फ्रेश, हेल्दी, ग्लोइंग नज़र आएगी और बहुत ही खूबसूरत बेबी स्किन टाइप सी आपकी जो स्किन है वो हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी आप अपनी डेली रूटीन में जो है वीकली रूटीन में वो शामिल कर सकती हैं। तो ये थे हमारे चंद एक बेसिकली जो है स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ज़्यादा जो है मैंने आपको इसलिए रिकमेंड नहीं किया क्योंकि फिर आप जो है गर्ल्स वो परेशान हो जाती हैं कि इतनी ज़्यादा हम कैसे अफोर्ड करें। बस चंद ये एक प्रोडक्ट्स भी अगर आप ले लेते हैं और अपनी डेली समर स्किन केयर रूटीन में इनको शामिल कर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो डल, डैमेज होने से बच जाएगी, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन टाइट रहेगी, पोर्स वगैरह और जो एक्नी प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, वो सब कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ यही जो प्रोडक्ट्स हैं आप डेली बेसिस पर अगर रोज़ाना यूज़ करेंगी तो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की सेल्फ ग्रूमिंग और अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड वीडियोज़, ब्यूटी कॉन्टेंट देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं। आप जाएँ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बी हैप्पी।